हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्काई वीपीएन की ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं 7 डे ट्रायल वाली, और क्रेडिट कार्ड ऐड करके अपने गूगल अकाउंट में प्रीमियम वर्जन बाय कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि अपना जीमेल अकाउंट आपने ओपन कर लेना, मतलब कि आपने एक न्यू आईडी क्रिएट करनी है जीमेल की या प्ले स्टोर की। आपने न्यू आईडी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपने एक न्यू आईडी क्रिएट कर लेनी है। यहाँ ऐड अनदर गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपने सिंपली सबसे पहले एक न्यू जीमेल आईडी अपने मोबाइल में एंटर करनी है। बस दैट्स इट, यहाँ से क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करने होंगे, जिससे आप ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं और 1 ईयर का अगर आपकी किस्मत अच्छी रही वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आपने नेम लिख देना है, एनी नेम। आपने बस एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है जल्दी से। मंथ में आप कुछ भी डायल कर दें, टू एनी और मेल है नेक्स्ट। तो कोई भी यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर लीजिए और पासवर्ड रख लें, कोई भी आप अपनी पसंद का पासवर्ड रख सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड नहीं रखना आपने, जिस तरह मर्जी आपने पासवर्ड रख लेना है। सेम वर्ड्स का पासवर्ड नहीं रखना, कोई भी पासवर्ड आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो यहाँ जीमेल अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना होगा, अब ये जो न्यू जीमेल अकाउंट आपने क्रिएट किया है, सिर्फ इसी अकाउंट को आपने अपने मोबाइल में साइन इन रहने देना है, और बाकी जो ओल्ड आपके अकाउंट्स होंगे उनको आपने इस डिवाइस से रिमूव कर देना है। तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ देखें अर्न मनी, ये जो मेरा जीमेल अकाउंट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हो जा रिमूव, इसको भी रिमूव कर दिया, और इसको भी अब रिमूव करते हैं। बहुत ज़िद्दी अकाउंट है ये, तो ये रिमूव हो गया। अब देखिए मेरे पास सिर्फ गूगल का एक ही अकाउंट रह गया है जो अभी हमने क्रिएट किया है। अब आपने क्या करना होगा, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, और जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी पर आपने क्लिक करना है, और आप वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड लेना है। तो ये वाले जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा आगे जाके, उनको मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ईजीली उसको कर सकते हैं प्ले स्टोर पर भी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टैब्स काफ़ी ज़्यादा ओपन की हुई हैं, मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, मैंने कोई तैयारी वगैरह नहीं थी कि वीडियो बनाने की, तो इसलिए। तो ये प्राइम बॉक्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आपने इस वेबसाइट पर विज़िट करना है। और एंड देन इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा आपके सामने। आपने क्या करना है, यहाँ जहाँ लिखा है इंसर्ट योर बिन, इस सेक्शन में आपने आना है, और इधर आपने टाइप करना है 372552 एंड होम स्क्रीन पर आपने क्लिक कर देना है, और दोबारा से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ये एक्स वगैरह जो हैं वो डल जाएंगे। यहाँ से आपने जनरेट कार्ड्स कर लेने हैं। जनरेट कार्ड्स पर क्लिक करने के बाद आपने अब क्या करना होगा कि एक न्यू टैब ओपन करनी है, इसको ओपन ही रहने देना है, और एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है। यहाँ आप टाइप कर सकते हैं गूगल पे, गूगल पे यहाँ पर आपने सर्च करना है। जैसे ही गूगल पे आप सर्च करोगे, आप जी पे भी सर्च कर सकते हैं, तो ये गूगल पे आ गया शो हो रहा है। तो यहाँ पर आईडी मांग रहा है, वो जो अभी हमने क्रिएट करी है वो उसको देख लेते हैं जाकर, क्या जीमेल आईडी हमने क्रिएट किया है अभी। ओ एस जे एस जे एस,
OSJSJS। आप सिंपल आईडी भी, जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर बना सकते हो, OSJSJS HSJS। तो ये मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर। @gmail.com। तो यहाँ पासवर्ड लिख लें हम अपना, आप चाहें तो ये आईडी यूज़ भी कर सकते हैं खुद। पासवर्ड तो आपने देख ही लिया होगा, इतने तो आप बोले हैं नहीं, तो ये डन कर लें यहाँ से। कोई भी रिकवरी ईमेल देने की ज़रूरत, कौन सा आपका ये पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहाँ देखें आप फास्टर वे टू पे, आप यहाँ देखें लिखा हुआ ऐड अ पेमेंट मेथड, तो इस पर आपने कर देना है सिंपल क्लिक और आपके सामने कुछ मेथड शो हो जाएंगे। आपने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करना है ये देखें। अगर तो आप ये सब मेथड प्ले स्टोर पर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्ले स्टोर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन प्ले स्टोर से बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं प्ले स्टोर से इसलिए नहीं ये आपको बता रहा क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, क्योंकि प्ले स्टोर की सिक्योरिटी की वजह से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है और कुछ भी मतलब शो नहीं होता। मैंने पहली वीडियो बनाई थी जो कि 17 मिनट्स की थी और मैंने बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाई थी, लेकिन स्क्रीन जो बाद में देखा कि जब मैंने पब्लिश भी कर दी तो वीडियो को देखा कि वो ब्लैंक शो हो रही है। तो यहाँ से आपने कंट्री जो सी है वो ब्राज़ील सेलेक्ट करनी है, तो ब्राज़ील आपने सेलेक्ट कर ली कंट्री। और यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि इसका टैक्स इंफॉर्मेशन आपने यहाँ टाइप करनी है। ये सब मेथड्स मैं पहले बता सकता हूँ आपको, आपने प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे आपने प्ले स्टोर में ऐड करना है इसको, वो भी मैं इसको ऐड करने के बाद आपको बता देता हूँ। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपने क्या टाइप करना है, वो है 133.167.246 एंड ये वाला निशान डालना है आपने और 91 टाइप करना था आपने। और यहाँ पर लिखना है आपने 12.03, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है 12/03/1992, तो इसको वेरीफाई कर लेना है आपने। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आप खुद ब खुद यहाँ नेम शो हो जाएगा, दिलवा माना रोसेफ। और इस स्ट्रीट लाइन में आपने क्या करना होगा कि यहाँ लिखना है स्ट्रीट जेफ XXX, ओके गलत मत समझिएगा। और नेबरहुड में आपने क्या करना होगा, यहाँ बाहिया सेलेक्ट करना है आपने, स्टेट यहाँ पर भी बाहिया सेलेक्ट करना है और सिटी सलवाडोर आएगी। एस आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ देखिएगा एस की लाइन में जो, हाँ देखिए एस अब शुरू जहाँ से होता है वहाँ देख लें हम, तो सलवाडोर यहाँ कहीं होगा, तो ये देखें सलवाडोर यहाँ शो हो रहा है, तो सिटी भी सिलेक्ट हो गया। अब पोस्टल कोड में आपने क्या लिखना है, पोस्टल कोड में आपने लिखना है 415-00290 एंड अब यहाँ हम टाइप करेंगे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। तो वापस चलते हैं अपनी उस टैब में जहाँ हमने क्रेडिट कार्ड्स जनरेट किए थे, तो उधर से हम कॉपी कर लेते हैं कोई सा भी। आपने ये देखिए यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये इसकी जो फर्स्ट वाली होगी ये इसका नंबर होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर वो भी कॉपी कर लेते हैं, और इसकी जो ये डेट है 03 इसका मंथ है और इसकी एक्सपायरी डेट है 2025 और इसकी जो CVC यानी कि पासवर्ड है वो है 8345 03 25 8345। तो यहाँ लिखते हैं क्रेडिट कार्ड का नंबर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर मंथ में लिखते हैं 03 और यहाँ 25 और CVC में 8345 जैसे वहाँ लिखा हुआ था सेम टू सेम, यहाँ पर वैसे ही आपने लिख देना है। तो क्रेडिट कार्ड MX का ऐड हो गया है। आप प्ले स्टोर से करेंगे तो ये इजीली ऐड हो जाएगा, आपको इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा।
तो यहाँ सिंपली सेव के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से करेंगे। ऑल सेट विद गूगल प्ले, डन। तो क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली हमने ऐड कर लिया है आपके सामने है। अब नो एक्टिविटी येट, क्रेडिट कार्ड ऐड हो चुका है। तो पेमेंट मेथड्स में आ जाएं तो यहाँ देखें आप, हाँ ये हमारा क्रेडिट कार्ड अभी ऐड हो चुका है। तो यहाँ से आप यहाँ पर जो करना था वो अब ख़त्म हो गया। ब्राउज़र पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि ब्राउज़र पर वो ब्लैक स्क्रीन शो नहीं होती। ये सब मेथड आप प्ले स्टोर पर भी कर सकते थे अपने ईमेल आईडी ऐड करके, क्योंकि प्ले स्टोर पर सिंपल होता है, प्ले स्टोर से भी पेमेंट ऐड मेथड जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो आपने क्या करना था कि अपने मोबाइल में अगर आप खुद करेंगे ये वीडियो देखकर ब्राउज़र की बजाय, तो आपने क्या करना होगा कि प्ले स्टोर पर आना है और देखें एक ही आईडी इसमें साइन इन होगी, और आपने क्या करना है पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। और पेमेंट मेथड हमने ब्राउज़र से अभी इसमें ऐड किया था तो इसलिए ये आप एमएक्स का क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। तो लेकिन जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ आपने लिखा होगा ऐड क्रेडिट कार्ड, तो इस पर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो ये देखें ब्लैंक स्क्रीन आप आई होप कि आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ जैसे मैं कार्ड नंबर वो लिखूंगा तो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद वही सब करना है जो मैंने अभी आपको ब्राउज़र पर बताया है। तो अब देखें स्काई वीपीएन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें प्रीमियम आईडी ऐड की हुई है, वो प्रीमियम अकाउंट है। देखिए मैं प्रीमियम है ये स्काई वीपीएन कार्डिंग एट गाहू डॉट कॉम। तो इसका मैं आप डेटा क्लियर कर देता हूँ, ओनली फॉर यू गाइज मैं इसका डेटा क्लियर करने लगा हूँ। और अगेन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपने कैसे क्या करना है, स्टोरेज क्लियर, डेटा सब कुछ एवरीथिंग क्लियर कर दिया और ये बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। अब सम कुछ लोगों के पास क्रिएट ऑर्डर फेल्ड का भी प्रॉब्लम होता है और कईयों के पास जो सब 7 डे ट्रायल वर्जन शो नहीं होता। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि सेटिंग में आपने चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपने सर्च करना है डेट, डेट सर्च करेंगे तो ये डेट एंड टाइम में आपने चले जाना है। और यहाँ जहाँ लिखा है ऑटोमेटिक टाइम जोन, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और सिलेक्ट टाइम जोन पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ आपने BRS सर्च करना है, और यह जहाँ लिखा है ब्राजीविलिया कोंगो रिपब्लिक, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसका टाइम जोन आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के VPN आपने कनेक्ट कर लेना है कोई भी। तो मेरे पास इस टाइम स्काई VPN के अलावा कोई VPN नहीं है, तो प्ले स्टोर से कोई भी छोटा सा VPN डाउनलोड कर लेते हैं। एनी VPN आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा VPN आप डाउनलोड कर लें। तो ये वेलो VPN मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये छोटा सा है, 2-3 MB का आई थिंक है ये ऐप, तो इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डाउनलोड कर लें। 3 MB का ये एप्लीकेशन है, तो इसको इंस्टॉल कर लें आप बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आपके पास कोई और VPN है तो उसमें आप USA की कंट्री सिलेक्ट कर लें और उसी से कनेक्ट हो जाएं। अब ये इंस्टॉल हो, ये देखें इंस्टॉल हो गया है। तो अब वेलो VPN पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे इसको। तो कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना होगा कि स्काई VPN को ओपन कर लेना है। मैंने इसका क्लियर डाटा किया हुआ है तो एवरीथिंग इज़ ओके, नए जैसा एकदम ओपन होगा। तो स्टार्ट स्काई VPN। और एक और बात, अगर आप ये स्काई VPN कहीं और से डाउनलोड करते हैं तो आई डोंट नो कि आपके पास ट्रायल वर्जन शो होगा या नहीं होगा। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे इस स्काई VPN को तो 100% गारंटी है कि आपके पास ट्रायल वर्जन शो होगा। तो यहाँ से आपने गो अनलिमिटेड के बटन पर क्लिक करना है। तो देखें गाइस यहाँ स्टार्ट 7 डे फ्री ट्रायल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं। एंड गाइस इसमें मैं ईमेल पासवर्ड हाइड नहीं करूँगा, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हाँ फ्री ट्रायल, तो एवरीथिंग इज़ ओके, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो पासवर्ड जो आपने अपने जीमेल का पासवर्ड रखा था वो आपने यहाँ एंटर कर देना है, एंड वेरीफाई कर लेते हैं इसको। गाइज अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी विद क्रेडिट्स ओके, अदरवाइज आई डोंट केयर। तो इस मेथड को आप सेल नहीं कीजिएगा, सबकी हेल्प करें आप,
अपने मतलब कि ज़ाती पर्पज़ के लिए आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते, प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, दूसरों की भी हेल्प करें। तो यह देखें, ये जो किंग का हेड है, ये शो हो रहा है, इस पर आपने अब क्लिक करना है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो अगर पेमेंट हो गई, तो आप ये अकाउंट पूरे ईयर के लिए भी यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ 1 ईयर लिखा हुआ है, 9000 रुपया एक साल का। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और गूगल प्ले पर आपने क्लिक करना है, पेपल क्रेडिट कार्ड को नहीं छेड़ना, ओनली गूगल प्ले पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे इसको दबाएंगे तो अगेन आपके पास एमएक्स का जो क्रेडिट कार्ड था वो उछल कर आएगा, और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगर आपके पास फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी है तो ये फिंगरप्रिंट मांग लेगा, नहीं तो अदरवाइज आप यूज़ पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास फिंगरप्रिंट है, तो मैं फिंगरप्रिंट स्कैन करके प्रोसेसिंग करता हूँ, तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो देखें गाइस, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मेरे पास एक और प्रीमियम अकाउंट आ गया है, तो जो लोग ये वीडियो जल्दी देखेंगे तो उनको ये अकाउंट मिल जाएगा। तो मैं साइनअप कर लेता हूँ यहाँ से, तो ईमेल डाल लेता हूँ मैं स्काई वीपीएन कार्डिंग 3 @yahoo.com और पासवर्ड imshazil, skyvpncarding3@yahoo.com ईमेल है और imshazil पासवर्ड है। तो साइन अप कर लेता हूँ यहाँ से मैं। साइन अप करने के बाद यहाँ कंफर्म योर ईमेल, ओके, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो गाइस, यहाँ मैं साइन इन हो चुका हूँ। अगर आपको अकाउंट नहीं मिलता, यूज़र फुल हुए होते हैं, तो आप ये ट्रिक को ख़ुद अप्लाई कीजिए और ख़ुद से अकाउंट अपना बनाएं तो यूज़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अपने किसी दूसरे फ्रेंड्स का भला करना चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बहुत जल्द।